सिंह चौक से मास्क वितरण के बाद हाजी हुसैन अंसारी पहुंचे अनुमंडलीय अस्पताल, जहां वे अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुनील मारांडी से मधुपुर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। चौक से मास्क बांटने के बाद मंत्री हाजी हुसैन अंसारी अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर सुनील मारांडी से स्थिति का जायजा लिया। इससे पूर्व डॉक्टर सुनील मारांडी ने मंत्री समेत तमाम अधिकारियों की जांच की, उसके बाद बाहर में ही सबों का हाथ धुलाकर वे सैनिटाइजर से स्प्रे करके अस्पताल के अंदर घुसने दिया गया। मंत्री श्री अंसारी अस्पताल के क्वारंटाइन रूम में गए, वहाँ जाकर संबंधित कर्मियों से पूछताछ की व स्थिति से अवगत हुए। डॉक्टर साहिद ने बताया कि यहां जिन लोगों को लाया जा रहा है सबों की जांच की जा रही है और जांच के पश्चात उनके हाथ पर एक मुहर भी लगाया जा रहा है और सबों को 14 दिन के लिए आइसोलेशन के लिए घर पर ही रहने का निर्देश दिया जा रहा है। मंत्री श्री अंसारी ने कहा वह मधुपुर की स्थिति से काफ़ी संतुष्ट हैं, अभी तक इस क्षेत्र में एक भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं मिला है। वे लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि सभी अपने घर पर रहें, सावधानी बरतें, सतर्क रहें। दूर दराज के राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए वे मुख्यमंत्री से बात किए हैं और विभिन्न राज्यों से लाने के लिए अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे उनसे भी बात कर रहे हैं। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, वे अपने विधायक मद से हर संभव मदद का आश्वासन दिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कोई भी भूख से नहीं मरेगा, कोई भी बगैर इलाज के नहीं मरेगा, वह सभी के मदद के लिए 24 घंटे तैयार हैं। रिपोर्ट किए हैं और सबकी जिम्मेदारी है कि हर स्टेट को देखे, जो हमारे लोग वहाँ फंस गए रुक गए हैं उसके तो परेशानी नहीं है, जो जहाँ पर वहीं रुक जाए तो सारा उसका प्रशासन हमारे जो अधिकारी उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री और तत्परता के साथ लगे हुए हैं। तो किसी भी हाल में कोई जिसम जो लोग फंसे हुए हैं, बहुत से लोग जो हमारे अगल बगल में फंसे हुए हैं जगह सब तरफ से हमने बहुत से गाड़ी कहे पर पेड़ पर लिख करके उन्हें उड़ाने की व्यवस्था करवाए हैं। जो बेसहारा कहीं बने जंगल में लकड़ी काटने गया था उस जंगल में था, उन लोगों को भी हम लोग व्यवस्था सब कर रहे हैं।